हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और यह है आज की हमारी श्रीनगर के गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में बनाए जा रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, वो भी सस्ते। नहीं, और क्या है? नमक वाला आटा है, नमक वाली रोटी घी के साथ। नमक वाली रोटी आज खाएंगे अचार के साथ। चलो रात तो खाया हमने, खाया था। जान जान बेटे, आप खिलौनों से खेल रहे हो। यह है आपके श्रीनगर के खिलौने। एक खिलौना है पड़ा और एक है जो कि ये घर से लेकर आया था। और एनो बैठ गई है नाश्ते पे। हमारे बैग अभी रखे नहीं है, हमने इनको रखेंगे हम। ये बेड है, कुछ कपड़े उपड़े हैं जो इसमें रखे जाएंगे बेड के अंदर। और अभी नाश्ता यहाँ पर लग चुका है। और नाश्ते में जो है हमारे पास दो पराठे बनाए हैं एनो और जियान के लिए, और चाय रखी हुई है। और साजा तन के बैठ गई है नाश्ते पर। तो कल से बहुत ज़्यादा थकान थी परसों के सफ़र की, और थकान रात को जब हम सोए तो ऐसी नींद आई कि पता भी नहीं चला कहाँ पड़े हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ, उसके बाद मेरा कुछ गले को भी आराम मिलेगा। तो 10 बज रहे हैं दोस्तों, और अब मेरे दुकान पे चलने का टाइम है। हम यहाँ से 20 तारीख में गए थे, 20 जून को अपने गांव में, और आज है 16 जुलाई। तो हमें काफ़ी दिन हो गए हैं गांव में रहते रहते। फाइनली जब हम अब यहाँ आए गए हैं, तो हमने अपना कमरा सेट कर दिया, हमने सारी सफाइयाँ कर दी, और आज की हमारी नए दिन की शुरुआत है काम की। तो अभी फ़िलहाल मैं दुकान पर चलता हूँ और देखता हूँ चल के कि भाई क्या काम है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आजकल वैसे काम काफ़ी मंदा चल रहा है। इधर ये बच्चे मोबाइल में बिजी है, अपना काम कर रहे हैं। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं आ गया हूँ अपने रूम पर। फिलहाल मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और खाने का टाइम है, तो अभी रूम पर मैं पहुँचा नहीं हूँ, मतलब पहुँचने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे होंगे। और बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाना भी खाना है। तो दोस्तों फाइनली मैं कमरे पर आ चुका हूँ, और ये बैठी मेरी एनू, और ये बैठा हमारा जियान, जो कि अभी कह रहे हैं, मुझसे बात बता रहे हैं कि जिस दिन हम गांव से आए थे पहाड़ गिर गया था, रास्ता बंद हो गया था, जेसीबी से रास्ता खुला था। देखो और दोस्तों पीछे साजा ने खाना भी लगा दिया है, तो अभी भूख लग रही है बहुत तेज। बहुत सारी जेसीबी दिखाई थी, मैं इनसे पूछ रहा था और ये मुझे बता रहे थे कि उस दिन हम जब रास्ते में गांव से आ रहे थे तो रास्ता ब्लॉक हुआ था, वहाँ पर कैसे जेसीबी ने रास्ता साफ किया। हाँ, बहुत सारी गाड़ी दिखाई थी, ये सोया नहीं था, और हमारी अनाया जो है सो गई थी। हाँ, तो रात को ये बार बार उठ रहा था, तो मैंने इसको बहुत सारी गाड़ी दिखाई थी, इसे अभी तक याद है वो बात उस दिन वाली, और अनाया को सुबह की बात याद है जब ये सुबह उठी थी। हाँ बेटे, जैसे भी बहुत खतरनाक थी। अनु बेटे आ जाओ, चलो अब दोनों बच्चे हम खाना खाएंगे। खा लिया आप दोनों ने खाना? अनु आपने भी खा लिया? अनु तो बैठ गई, अनु खाएगी। ये तो साजिया ने यहाँ पे खाना लगा दिया है, और ये अंडे आलू बनाए हैं। आ जाओ बच्चे, आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, खाना खाएंगे, पापा खाएंगे और आप खाएंगे। एनु ने खा लिया है, एनु और खाएगी। तो हम खाने की शुरुआत करते हैं दोस्तों, बहुत तेज भूख लगी है। तो इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैंने यहाँ पे घड़ी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमारे पास यहाँ घड़ी नहीं है, किसी भी दीवार पर घड़ी नहीं लगी हुई, सिर्फ आप फोन में टाइम देख लेते हैं सिर्फ। और ये आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, ये कर रहे हैं खाना खाने के बाद अब वीडियो की तैयारी, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो लिखेंगे, पहले कहानी सोचेंगे, बनाएंगे उसको, क्योंकि अभी बच्चे भी दोनों आराम से सो रहे हैं, नहीं तो बच्चे उठ जाते तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, और बच्चे हमें वीडियो शूट भी करने नहीं देते, तो इसलिए अब ये लिख रहे हैं कहानी, और मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। हंसो मत, जल्दी लिखो, क्योंकि 3 बज चुके और इनको 4 बजे दुकान पे भी जाना होता है, 3 बजे से पहले पहले। अब वो 3 तो बज चुके हैं, 4 बजे से पहले पहले वीडियो बनाना, एडिट करना, इतनी जल्दी का काम होता है ना सब कुछ, क्योंकि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और यहाँ अगर तो हमें वीडियो ब्लॉग बनाने का कुछ टाइम नहीं मिलता, क्योंकि क्या दिखाए। तो बस जैसी भी हमारी लाइफ है, हमारे ब्लॉग और हमारी शॉर्ट वीडियो, आप लोग प्यार बनाते रहिए, और हम ऐसे ही
मेहनत करते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर कितना भी काम हो या कितना भी हम आराम ना मिले। खाना खाने के बाद एक मिनट भी कभी आराम नहीं करते, लेटते भी नहीं, क्योंकि टेंशन होती है वीडियो बनाने की। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारी वीडियो ऐसी देखते रहें। फाइनली हमने शॉर्ट वीडियो अपनी शूट कर ली है साजिया ने और मैंने मिलकर, और अब मेरे दुकान पर जाने का टाइम हो गया है। मैं चलता हूँ अपने काम पर और साजिया को मैं रील्स बनाने के लिए छोड़ के जाता हूँ। अभी पानी की आवाज़ मुझे आने लगी है, पानी आ गया है। साजिया अब तुरंत भागेगी यहाँ से पानी भरने के लिए। बाल्टी लगा दी है पानी के नीचे रील्स बनाते बनाते, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, मैं पानी भर लूंगी। और ये मत कहना मैंने सूट पुराना पहना है, दुपट्टा ऐसे, क्योंकि दो तीन वीडियो में इस कपड़े में सूट कर चुकी, सिर्फ मैंने दुपट्टा ही चेंज किया है, ताकि ऊपर से तो मैं थोड़ा सा फेस दिखा के वीडियो बनाती। तो ये मेरा अपना खुद का वो है उपाय, ये खुद का स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो अभी दुकान से ये खरीदे हैं दो बिस्कुट के पैकेट, पांच वाले, और एक दही का पैकेट। चलते हैं कमरे पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रसोई में, जहां पर साजिया कर रही है तैयारी। किस चीज़ की तैयारी कर रही हो जरा बताओ तो। मैंने खाना बना लिया है, बस तुम्हारा इंतजार था, अब खाना खाते हैं। और दोस्तों 9 बज चुके हैं और रोटी बनाई है साजिया ने यहां पे। सब्जी तो हमारी दिन की है, जो कि हमने दिन में बनाई थी, आलू अंडे की सब्जी। तो दही का पैकेट लेकर आ गए साथ में खाने के लिए। ये मैंने दही का पैकेट अभी आपको दिखाया था, दो बिस्कुट के पैकेट लिए और एक दही का पैकेट। अब इसके साथ हम खाना खाएंगे, और बिस्कुट का पैकेट ये रखते हैं यहाँ पर, जो कि बच्चों के काम आने वाले हैं, क्योंकि वो जब सोते हैं और उठने के जब सोते हैं और उसके बाद उठते हैं तो सीधी जीत करते हैं कुछ खाना है, तो बिस्कुट खाएंगे। और दोस्तों आप जो यहाँ पर ये सब देख रहे हो, ये जो निशान बने हुए हैं, ये सब्जी फ्राई वगैरह के निशान हैं, और इनकी काफ़ी सफाई भी करते हैं हम, उसके बावजूद भी मैंने धुला था। हाँ, ये निशान नहीं जाते यहाँ से। इधर तो ठीक है, क्योंकि इधर कोई फ्राई का सिस्टम नहीं है। एक मिनट मुझे बोलने दो। तो पहले यहाँ पे जो है ना, ये मतलब ऐसा ही था, लेकिन जब सब्जी वगैरह फ्राई होती है तो तड़का वगैरह लगता है, तो ये सब ऐसा हो जाता है। और पूरी जान लगा के भी अगर इसको साफ करें तो ये नहीं होता। इसका इलाज एक ही है कि इस पर पेंट करो या कुछ चिपका दो यहाँ पर, बस वही इलाज है। बाकी वो तो खैर हम नहीं कर रहे कुछ चिपकाने का काम, क्योंकि हम थोड़ा सा डर भी लगता है को कहीं कोई चीज़ आग वाग ना पकड़ ले गैस की, तो थोड़ा सा डर भी रहता है, इसीलिए बस ऐसा है। तो और हाँ, एक दो कमेंट भी आए थे इसके बारे में कि बैकग्राउंड कैसा है। तो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड ऐसा ही है, इधर से ऐसा है और इधर से ऐसा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इसे साफ रखने की। और जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैगी मैंने एक फ्राई पैन के अंदर बनाई थी, जो कि हमारे पास कढ़ाई भी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ वो बर्तन रखते हैं सिर्फ काम चलाने के लायक, बाकी हम यहाँ पे कोई नया बर्तन कोई सामान नया नहीं खरीदते, क्योंकि गांव में हमारे पास बर्तन वगैरह वहाँ सब कुछ है, तो यहाँ मन भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ किराए के कमरे में मैं ज़्यादा सामान नहीं करना चाहती, क्योंकि कभी हम इस कमरे को छोड़ के जाएंगे तो इतना सामान कैसे जाएगा कैसे क्या, तो सब कुछ, तो इसलिए कम सामान रखना चाहिए किराए के कमरों में मेरे हिसाब से तो। और बाकी जिनका अपना घर होता है तो वो चाहे जितना भी रख ले। तो कल हम आए थे अपने गांव से यहां पर श्रीनगर, जो कि सुबह हम 9 बजे पहुंचे थे, परसों रात के चले हुए। और यहां पर पहुंचने के बाद कल हमने पूरे दिन सफाई वगैरह कर ली थी, उसके बाद हम अपना खाना पीना खाया, नहाए धोए, उसके बाद रात को हम जो है सो गए थे पढ़ के, और थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा इस वजह से, तो आराम भी नहीं मिला था सफ़र में हमें। तो उसके बाद हम जब सुबह को उठे तो बॉडी पूरी पेन कर रही थी, क्योंकि सफ़र में ना अक्सर शरीर अकड़ जाता है। तो आज का मेरा पहला दिन था काम पर। एनो मेरे बच्चे, चलो खाना खाएंगे, आ जाओ, आप दो चोटे वाले हो। और बाबू आप ये क्या मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह जो है हरकतें कर रहे हो। कार चाहिए आपको? ये साजिया ने यहाँ पर खाना लगा दिया है, ये है चावल जो कि दोपहर के हैं, हमें यही खाना खाना है। आप कमेंट करके ये मत बोलना कि दोपहर के चावल कौन खाता है, हम तो खाते हैं। और ये रही दही जो कि मैं लेके आया था, और इधर रोटी है, इधर सब्जी है, दोपहर की है ये भी। और ये साजिया लगा दो ज़रा जल्दी से दोनों प्लेट में। इन बच्चों ने खाना खाया या नहीं? खाना खा लिया? क्या खिलाया इन दोनों को? मैगी। आपने भी मैगी खाई बाबू? हाँ हाँ। अब खाना खाना खाना। अच्छा अब खाना खाना है, पहले मैगी खाई थी। कोई बात नहीं, आप बन जाओ ड्रैकुला, बन जाओ, खा लो जल्दी जल्दी। नून, नून पानी।
अब बच्चे सही से खाना भी नहीं खाने देते। अनाया का देख लो झूला झूल रही है। एनु पापा को खाना तो खाने दो। मेरे पापा। एनु पापा को खाना तो खाने दो। अब ये गया ऐसे बोल के मेरे पापा। मेरे बाबे, मेरे पापा, मेरे पापा। नहीं बेटे आप दोनों दोनों के पापा है ना हम। मेरे पापा, मेरे बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एनु का मुंह देखो। जाओ जाओ आप अपनी मम्मी के पास जाओ। आ जाओ एनु, आ जाओ बेटे। ये मुझे गिरा देगा। आ जाओ एनु बच्चे। आओ मम्मी के साथ जाओ। आओ 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 मेरे बेटे। खाना खाने के बाद सबसे खतरनाक ड्यूटी है कूड़ा फेंकना।